तो मैं क्योंकि अब ये सोशियो एकेडमिक सोशियो साइंटिफिक सेशंस भी होते हैं, तो सोशियो एकेडमिक सेशन में पॉलिसी का भी बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या क्या हुए जिसके कारण आज मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन किस तरीके से हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमको ध्यान में रहे कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को साइलोस से निकालकर एक कोहिजन के साथ इसको देखने का प्रयास किया, और इसलिए अब जो हमारी नई स्वास्थ्य नीति बनी 2017 में, और ये 98 के बाद 1997-98 के बाद ये जो 2017 में स्वास्थ्य नीति आई, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के रूप में बनाने का प्रयास किया एक होलिस्टिक रूप में। पहले जोर सिर्फ क्यूरेटिव पर था, अब जोर प्रिवेंटिव पर है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव पैलिएटिव रिहैबिलिटेटिव एक होलिस्टिक अप्रोच में देखने का प्रयास हुआ, और इस होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हम लोगों ने नई शिक्षा नई स्वास्थ्य नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आपको जानकर के अब खुशी होगी कि ये जो आप लोगों के समय में पीएचसी कहते थे या आपके समय में सब सेंटर्स कहते थे, अब ये दे आर कन्वर्टेड इनटू आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और इनकी संख्या 1,73,000 है, और इनको हम हाई क्वालिटी का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। और इसकी क्वालिटी असेसमेंट इसको भी हम कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने कोशिश की है अर्ली डिटेक्शन, और अर्ली डिटेक्शन के लिए एनसीडीज को हाइपरटेंशन ब्लड शुगर इनके साथ साथ जो भी हम एनसीडीज के पैरामीटर्स होते हैं उनको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्योंकि अब मैं बीजे एमएफ में आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहां बिहार में 10,716 ऐसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले, और अभी तक जो फुटफॉल रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वो 8,35,00,000 है, 1,35,00,000। और एनसीडी स्क्रीनिंग जो बिहार में हुई है वो 4,36,00,000, और ये कंटिन्यूड है। तो आप डॉक्टर्स हैं, आप समझ सकते हैं जब हम आपको कहते हैं कि एनसीडी की स्क्रीनिंग हुई है और उसकी संख्या अगर 4,36,00,000 है, तो आप समझते होंगे कि उसका डीप इंपैक्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कितना बड़ा है।